कैंपेन कमेटी चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, हमारे सेक्रेटरी तरुण कुमार जी, वरिष्ठ नेता और मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, भजनलाली जाटव, सुभाष गर्ग जी, शेर सिंह सुपा साहब, बहन श्रीमती जायदा खान जी, अमर सिंह जाटव, हिमांशु कटारा जी, मुरारी जी गुजर प्रधान साहब, डॉक्टर खानू खान जी, विनोद बंसल जी, संजय शुक्ला जी, सतीश सोगरवाल जी, डॉक्टर गोविंद शर्मा जी, गिरीश चौधरी जी, डॉक्टर सुरेश यादव जी और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अभिजीत कुमार जी जाटव, तमाम उपस्थित हमारे परिवार नेतागण, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हमारे महबूब नेता राहुल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है 6 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और हम सबकी सलाह से राहुल गांधी जी ने अभिजीत कुमार जी को आपके यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। हम सबका ये फर्ज है, जितनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये भरतपुर के अंदर भी एक ऐतिहासिक मीटिंग है जिसमें आपने सबने शिरकत करी। मैं आपको आह्वान करूंगा कि कोई कमी नहीं रहे, 6 तारीख को एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबे, भारी बहुमत से अभिजीत कुमार जी जीत के जाए और जीत के जाने के बाद में हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभिजीत कुमार आपका एमपी के रूप में कोई कमी नहीं रखेंगे, आपके बीच में आते जाते रहेंगे, साथी बनेंगे और पूरे संसदीय क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको हमारे जो साथी मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, इन सब की सलाह से दिल्ली की पंचायत में उठाएंगे। और वैसे भी भरतपुर के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके पहली बार भरतपुर में एक साथ में 3-3 मंत्री बनाए हैं, वो भी इतिहास बना है। आपकी जिम्मेवारी बनती है, मंत्री बने हैं तो आप सोच सकते हो कि भरतपुर जिले की पैरवी भी किस प्रकार से होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। 3-3 मंत्री, जायदा जी विधायक, अमर सिंह जी विधायक बने हैं, सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे और तेज गति से विकास कैसे हो भरतपुर का, चौमुखी विकास हो, उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने चंबल से पानी लाने की योजना बनाई थी। अभी राहुल जी मुझे पूछ रहे थे कि पानी की स्थिति का क्या होगा, यमुना से पानी तो 30% मिलता है, हरियाणा सरकार पानी देने के तैयार नहीं है, अलग लड़ाई चल रही है, केंद्र सरकार के हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि भरतपुर जिले को यमुना का पानी पूरा जो हमारा हक है वो मिल के रहे, उसमें हम लोग कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चंबल से पानी आया है कुछ इलाकों में, बाकी गांव छूट गए हैं, बाकी पंचायत भी छूट गई है, वहाँ पे भी जल्दी योजनाएं पूरी हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इस प्रकार से आप निश्चिंत रहें, चाहे पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली की योजनाएं हो, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, पहले भी आपका विश्वविद्यालय खोला गया भरतपुर के अंदर, सड़कों का जाल बिछाया गया, ओवरब्रिज बनाया गया, अब मौका है आपके सामने। जब आपने MLA बनाए हैं हमारे, 3-3 मंत्री बना दिए राहुल जी ने, लोग मिलके विकास काम कर सके। एक तरफ तो कांग्रेस है जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी कोई किसी दुश्मनी नहीं है, परंतु लड़ाई है लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया आपको, वोटों का राज आज है, ये कांग्रेस का दिया हुआ राज है, व्यवस्था कांग्रेस की है और 70 साल में इस व्यवस्था को कायम भी कांग्रेस की सरकार ने रखा है। बाकी तो हमारे साथ में आजाद पाकिस्तान भी हुआ था, वहां सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया भुट्टो जी को, आप सोच सकते हो कितना बड़ा फर्क है। जहां सुई नहीं बनती थी, यहां पर कपड़े पहनने को नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, भीख मांग के लाते थे अमेरिका से, वहां से चलते चलते आज हम कहाँ पहुंचे हैं। सड़कों का जाल बिछ गया पूरे देश के अंदर, बिजली चारों ओर फैल गई, घर घर में पानी के नल आ गए,
सड़कों के जाल बिछाई बचा, साथ में स्वास्थ्य सेवाएं, पीएचसी सीएजी सब चंडे खुल गए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बन गए, क्या नहीं हुआ विज्ञान में तकनीकी के अंदर, और मोबाइल फोन हर हाथ में आ गए, कंप्यूटर आ गए। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, मोदी जी जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, पहले झूठे वादे किए, सरकार बना ली उन्होंने पिछली बार, एक वादा पूरा नहीं किया, ना नौकरियों का, ना काला धन समाप्त करने का, ना बाहर से पैसा लाने का, ना महंगाई कम करने का, लोकपाल में जाके बना सुप्रीम कोर्ट का आदेश से। तो मैं कहना चाहूंगा झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान में अभी फिर रहे हैं लगातार, परसों भी थे आज भी आए हैं, मैं उनकी स्पीच इस प्रकार असत्य बोलते हुए मैंने किसी प्रधानमंत्री को कभी सुना ही नहीं। सारे रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। आपको हमको समझना पड़ेगा सच्चाई किसके साथ में है। राहुल जी कहते हैं जो आप कहो वो काम करके दिखाओ वरना कहो ही नहीं, ये तो सच्चाई का पक्ष है। और मोदी जी की डिक्शनरी में सच्चाई नामी चीज नहीं है। वो जिस प्रकार से आरोप लगाते सरकार पर, हमारी सरकार पर, मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पर नाम नहीं भेज रहे किसानों के, कर्जे माफ किए नहीं है, झूठा वादा कर दिया। अरे मोदी जी सरकार बनते दो दिन में हमने आदेश जारी कर दिए कर्जा माफ करने के, दो महीने से कैंप लगे हमारे, 18 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उनको सर्टिफिकेट दे दिए कर्जे माफ करने के, और जो बैंक है आपके अंडर में है, केंद्र के अंडर में है नेशनल बैंक, अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप वन टाइम सेटलमेंट की बात करते उनके साथ में, हमारे काम आसान रहता, हमारी बातचीत चल रही है, चुनाव समाप्त हुए नहीं, और नेशनल बैंक के कर्जे जो हमने वादा कर रखा आपसे 2 लाख तक के कर्जे वो माफ भी करके दिखाएंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोग। इस प्रकार से एक प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रकार से जुमलेबाजी करना, असत्य बोलना, और वोट लेने के लिए अपने उपलब्धि नहीं बता रहे, वो वोट लेने के लिए कभी राम मंदिर की बात कर देंगे चुनाव के वक्त में, राष्ट्रहित की राष्ट्रभक्ति की बात करें, क्या हम लोग राष्ट्रभक्त नहीं है बैठे हुए लोग। इस प्रकार से आप वोट लेने के लिए सेना के नाम का उपयोग, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं देश में, 65 में लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान की बात उन्होंने करी, हम युद्ध जीते थे, इंदिरा जी ने कमाल कर दिया, 93,000 जनरल कर्नल मेजर सैनिकों को बंदी बना दिया, उनके सरेंडर हत्या सरेंडर करवा दिए, कभी सेना का नाम नहीं लिया चुनाव जीतने के लिए उन्होंने। इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, पूरे विश्व को आश्चर्य हुआ, अटल जी को कहना पड़ा हाउस के अंदर ये इंदिरा गांधी नहीं है, दुर्गा का रूप है, इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान दे दी। और शहीद होने के एक दिन पहले कहा उड़ीसा में, मेरी जान जी चली जाएगी मुझे चिंता नहीं है, अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये इंदिरा गांधी जी ने कहा था, आप सबको मालूम है। ऐसे हालातों में देश चला है आज तक 55 साल 70 साल। मोदी जी परसों जयपुर में कह रहे थे 55 साल के गड्ढे जो खोदे हैं कांग्रेस ने वो मैं भरने का काम कर रहा हूं। अरे मोदी जी कुछ तो शर्म करो, आप क्या बोलते हो, आप प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की बात को निकले जवान से दिल को छूने वाली होनी चाहिए, क्या दिल को छूने वाली बातें हैं उनकी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, राहुल जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है शानदार बनाया है, लोगों को पूछ के बनाया है, अभी बताएंगे वो आपको न्याय योजना के बारे में, किसानों का अलग बजट आना बहुत बड़ी घोषणा है, आने वाले वक्त में लगेगा मालूम पड़ेगा, आत्महत्याएं किसानों की होती हो चाहे वो अन्य समस्या जितनी भी है, पूरे पार्लियामेंट 542 मेंबर पार्लियामेंट किसान बजट में बहस करेंगे, उसके बाद में फैसले होंगे वो पास होगा, कोई कल्पना कर सकता है क्या। राइट टू हेल्थ, राहुल चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सरकार की तरफ से अधिकार मिले उसका हेल्थ अच्छी रहे, जिस प्रकार यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के वक्त में शिक्षा का अधिकार दिया गया, कानून बना के अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी उस वक्त में, उसका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा हमारी सरकार ने भी कर्जे माफ किए हैं, 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, 1 लाख कनेक्शन शुरू कर दिए हमने देने किसानों को,
पानी के बिल समाप्त हो गए, आएंगे नहीं पानी के बिल राजस्थान भर के अंदर। एक से बढ़ के एक फैसले में सारे किए हैं, वो आपकी जानकारी के अंदर 21 फैसले मैंने अभी किए हैं। इसलिए मैं आपको इतने कहना चाहूंगा, कृपा करके आप कांग्रेस उम्मीदवार को भारी बहुमत से कामयाब करें, उसके बाद आप देखेंगे हम सब मिलकर के, मैं आपसे वादा करता हूं, भरतपुर के विकास में कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। यही बात कहता हुआ मैं पुनः राहुल जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।